श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों दिनांक 25 अक्टूबर सन 2022 को दीपावली आ रही है, तो उस दिन पूजन करना है कि नहीं करना है इस संगम में हम जानेंगे, क्योंकि उसी दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो सूतक कब से कब तक लगेगा, सूर्य ग्रहण का टाइम क्या रहेगा, यदि उस दिन पूजा नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या वैकल्पिक उपाय रहेगा, इस संकट में हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देवनी। दोस्तों इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 तारीख को होगा, 25 अक्टूबर सन 2022 को रहेगा। अमावस्या तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 से 25 अक्टूबर को शाम को 4:18 तक रहेगी। ये जो सूर्य ग्रहण है यह आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, जो कि 25 अक्टूबर को मंगलवार को दोपहर 4:29 से शाम को 5:30 तक रहेगा और 5:43 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सूर्यास्त के साथ ही सूर्य ग्रहण 25 तारीख मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो अमावस्या तिथि है वो 24 अक्टूबर को प्रारंभ हो जाएगी शाम को 5:27 से। सूतक काल जो होता है वो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व से माना जाता है और 12 घंटे बाद तक का सूतक काल माना जाता है। तो 25 की सुबह 4:29 से 26 की सुबह 5:43 तक सूतक काल रहेगा। इसमें पूजा पाठ वर्जित रहते हैं, भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाते हैं, किसी भी प्रकार का पूजन इसमें निषेध रहता है, सिर्फ आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आपको दीपावली की पूजन कब करनी चाहिए, इस अंक में हम देखते हैं। दोस्तों दीपावली की जो पूजन है वो अमावस्या की तिथि में ही करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और जो अमावस्या तिथि है वो 24 अक्टूबर को शाम को प्रारंभ हो जाएगी। 25 को सूर्य ग्रहण है तो आप 24 की शाम को भी दीपावली की पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि शाम को 24 अक्टूबर को सोमवार को शाम को 5:27 से प्रारंभ हो जाएगी। तो दीपावली की जो पूजन है आप यदि 24 अक्टूबर की शाम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों कार्तिक की अमावस्या तिथि के दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का एक बहुत बड़ा लाभ भी आप उठा सकते हैं। जब सूर्य ग्रहण रहेगा मतलब कि 25 अक्टूबर को मंगलवार को 4:29 शाम को 4:29 से 5:43 तक, तो उसमें आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, उसका आप जाप कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। तो दोस्तों ये थी दीपावली की पूजन से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।